संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधु, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के सूत्रों के माध्यम से द्रव्य और उसके स्वभाव का वर्णन चल रहा है। पुद्गलों में किस तरह से परिणमन होते हैं, कैसे उनके बंध होते हैं, यह सब बताया जा चुका है। आगे प्रकरण अब समाप्ति की ओर है। द्रव्य की परिभाषाएं पहले भी बताई गई हैं, द्रव्य का लक्षण पहले बताया गया है। यहाँ पर द्रव्य क्या है ये बताया जाने वाला है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य वह होता है जो गुण और पर्याय दोनों को धारण करता है। वत शब्द वतु प्रत्यय संस्कृत का वान अर्थ में आता है, जिसे हम वाला बोलते हैं। गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है, या गुण और पर्याय वान द्रव्य होता है। यानी द्रव्य में गुण भी अवश्य होंगे और पर्याय भी अवश्य होंगे। गुण और पर्यायों का जो पिंड है, आधार है, उसी का नाम द्रव्य है। यह द्रव्य एक तरह से सामान्य रूप होता है, और द्रव्य के साथ में जो गुण और पर्याय होती हैं, इन्हीं से द्रव्य की विशेषता को जाना जाता है। ऊपर के सूत्रों में जो सद्द्रव्यस्य लक्षणम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत इत्यादि जो सूत्र थे, इनमें द्रव्य का लक्षण तो बताया, लेकिन द्रव्य का स्वरूप नहीं बताया था। लक्षण अलग चीज है और स्वरूप अलग चीज है। जीव का स्वरूप क्या है और जीव का लक्षण क्या है, जैसे इन दोनों में अंतर होता है, वैसे ही जीव के स्वरूप के साथ साथ पुद्गल का स्वरूप क्या, पुद्गल का लक्षण क्या। तो स्वरूप वह होता है जो हमेशा त्रैकालिक उसकी परिणति के रूप में दिखाई देता है। लक्षण वह होता है जो स्वरूप को बनाए रखता है। तो द्रव्य का यह लक्षण बताया था पहले कि द्रव्य सत लक्षण वाला है। सत्ता कैसे बनती है, तो उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से बनती है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि द्रव्य किसको धारण करता है, उसका स्वरूप क्या। तो गुण और पर्याय वाला होना ये द्रव्य का स्वरूप है। जीव का स्वरूप क्या, तो जीव के स्वरूप में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जीव अपने स्वाभाविक परिणमन के साथ भी होता है, वैभाविक परिणमन के साथ भी होता है। जीव संकोच विस्तार स्वभाव वाला भी होता है, जीव अमूर्तिक भी होता है, मूर्तिक भी होता है। सब जीव का स्वरूप कहलाएगा, लेकिन लक्षण उसका एक ही होगा,
उपयोगो लक्षणम। इसी तरीके से यहाँ पर द्रव्य का यह स्वरूप बताया जा रहा है। द्रव्य गुण वाला भी होता है, पर्याय वाला भी होता है। गुण भी बहुत से होते हैं और पर्याय भी बहुत सी होती हैं। गुणों का संबंध द्रव्य के साथ हमेशा बना रहता है और गुण जो व्याख्यायित किए जाते हैं वह पर्यायों के साथ भी व्याख्यायित होते हैं। जैसे जो पर्याय हैं तो पर्याय किसकी हैं, तो पर्याय द्रव्य की भी होती हैं और पर्याय गुण की भी होती हैं। तो जब हम गुणों की चर्चा करते हैं तो सामान्यतया एक सामान्य गुण आ जाते हैं और एक विशेष गुण आ जाते हैं। सामान्य गुणों में जब हम देखते हैं तो अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व, अगुर लघुत्व, ये सामान्य गुण हो जाते हैं। छह ये सामान्य गुण हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। जब हम हर द्रव्य की विशेषता के साथ में गुणों को देखेंगे तो हर द्रव्य के गुण अपने अपने कुछ विशेष जो गुण होंगे वो अलग अलग भी मिलेंगे। ये छह तो सामान्य गुण सभी में पाए ही जाएंगे, साथ साथ अगर हम जीव द्रव्य की विशेषता के साथ देखेंगे तो जीव द्रव्य के अंदर भी ये सामान्य छह गुण हैं, लेकिन अगर हम विशेष गुण जानेंगे तो जीव के विशेष गुण और भी अधिक हो जाएंगे। सामान्य गुणों के बारे में तो सब जानते ही हैं। अस्तित्व का मतलब होता है जिससे कि द्रव्य हमेशा अपने अस्ति स्वभाव को धारण करता है, उसका अपना सत्ता बनी रहती है, अस्तित्व बना रहता है, ये उसके अंदर अस्तित्व गुण के कारण से होता है। वस्तुत्व गुण होता है जो उस द्रव्य के सामान्य और विशेष दोनों धर्मों को लेकर के चलता है। वस्तु में सामान्यपना भी होता है और विशेषपना भी होता है, इन दोनों को जो साथ में लेकर के चले वह वस्तुत्व गुण कहलाता है। द्रव्यत्व गुण होता है जिसके कारण से वह अपने अनेक पर्यायों को प्राप्त करता रहता है और वह अनेक पर्यायों को प्राप्त करता हुआ भी अपने द्रव्य स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं, ये उसके द्रव्यत्व गुण के कारण से होता है। प्रमेयत्व गुण होता है जिसके कारण से वह किसी न किसी ज्ञान के द्वारा अवश्य जाना जाता है, वह ज्ञान का विषय बनता है, वह ज्ञेय रूप होता है, प्रमेय रूप होता है, इसलिए वह प्रमाता या प्रमाण का विषय बनता है, उसको प्रमेयत्व गुण के माध्यम से कहा जाता है। प्रदेशवत्व गुण होता है जिसके कारण से वह अपने प्रदेशों को धारण करता है, क्षेत्र जिसका जितना घेरता है, जो बताया गया संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये सब उसके प्रदेशत्व गुण में आता है। और अगुर लघुत्व गुण होता है जिसके माध्यम से वह प्रति समय छठ गुणी हानि वृद्धि के रूप में अपने ही अंदर स्वाभाविक परिणमन को धारण किए रहता है। यह उसके सामान्य छह गुण होते हैं जो प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं, चाहे वो शुद्ध द्रव्य हो चाहे अशुद्ध द्रव्य हो। और शुद्ध द्रव्यों में भी जो धर्म, अधर्म, आकाश, काल हैं, इनमें भी पाए जाते हैं, और अशुद्ध द्रव्य जो हो जाते हैं जीव और पुद्गल, इनमें भी वह हमेशा पाए जाते हैं। इन छह गुणों के अलावा जो विशेष गुणों का व्याख्यान आता है तो विशेष गुण सबके अपने अलग अलग भी होते हैं। जीव द्रव्य के अगर आप विशेष गुण देखेंगे तो उसमें दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, है ना, ये उसके विशेष गुण होंगे जीव के अंदर, है ना। दर्शन गुण होना, ज्ञान गुण होना, सुख गुण होना, वीर गुण होना, ये उसका क्या है, ये उसकी विशेषता है। इसके साथ साथ चेतनत्व होना, अमूर्तत्व होना, ये उसके विशेष गुण हैं। पुद्गलों के जब हम विशेष गुणों की बात करेंगे तो उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और उसके साथ में अचेतनत्व होना, मूर्तत्व होना, ये उसके विशेष गुण हो जाएंगे। धर्म द्रव्य के जब हम विशेष गुणों की बात करेंगे तो गति परिणाम में हेतु होना, उसके साथ साथ अचेतनत्व होना, अमूर्तत्व होना, ये उनका विशेष गुण होगा। अधर्म द्रव्य का जब हम विशेष गुण देखेंगे तो स्थिति में हेतु होना और उसके साथ साथ अचेतनत्व होना और अमूर्तत्व होना, ये अधर्म का विशेष गुण हो गया।
आकाश का भी इसी तरह से विशेष गुण, उसमें अवगाहनत्व गुण होना, साथ में अचेतनत्व होना और अमूर्तत्व होना। काल का भी विशेष गुण, जैसे उसमें वर्तना में निमित्त होना, अचेतनत्व होना, अमूर्तत्व होना, ये उसके विशेष गुण हो जाते हैं। तो इस तरह से सामान्य और विशेष गुणों को जान करके हम गुणों के बारे में समझ सकते हैं। गुण और पर्याय को जब हम समूचा देखते हैं तब वो द्रव्य की परिणति ले आता है, और द्रव्य जो है अपने अंदर पर्यायों को भी धारण करता है, और वो पर्यायें भी कई प्रकार से व्याख्यायित की जाती हैं। मुख्य रूप से अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय भी दो प्रकार से बताई जाती है, स्वभाव अर्थ पर्याय, व्यवहार अर्थ पर्याय। जब स्वभाव अर्थ पर्याय की बात आती है तो जो अगुर लघु गुण के माध्यम से सद्गुणा हानि रूप जो परिणमन चल रहा है वो उसका स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाती है। व्यवहार अर्थ पर्याय होगी वो केवल जीव द्रव्य में ही, ये विभाव अर्थ पर्याय बताई जाती है जो मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य और पाप के भेद से छह प्रकार की होती है। इसी तरीके से विभाव अर्थ पर्याय के साथ साथ व्यंजन पर्याय भी होती हैं, और व्यंजन पर्याय भी द्रव्य की भी होती हैं और गुणों की भी होती हैं, स्वाभाविक भी होती हैं और व्यभाविक भी होती हैं। जो स्वभाव भूत पर्याय होंगी, जैसे हम कहें स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, तो व्यंजन पर्याय वह है जो बहुत काल संबंधी हो। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या कहलाएगी? तो जैसे जीव की जो शुद्ध सिद्ध पर्याय है वह जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, द्रव्य की उस रूप में परिणति हो गई, इसलिए वो द्रव्य की व्यंजन पर्याय। अगर हम कहें जीव की स्वभावभूत गुण व्यंजन पर्याय कौन सी होगी, तो व्यंजन पर्याय जो बहुत समय वाली हो, अब गुण के साथ जोड़ दी व्यंजन पर्याय, तो गुण जो ज्ञानादि गुण होते हैं, तो केवल ज्ञानमय होना, केवल दर्शनमय होना, अनंत सुखमय होना, ये जीव की स्वाभाविक गुण व्यंजन पर्याय कहलाएंगे, है ना। इस तरह से द्रव्य की स्वभावभूत भी व्यंजन पर्याय होती हैं और व्यभाविक भी होती हैं। जब विभाव रूप पर्याय की बात आएगी तो विभाव रूप द्रव्य व्यंजन पर्याय कैसी, तो जैसे जीव की जो मनुष्य आदि पर्याय हैं ये उसकी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, ये द्रव्य की परिणतियां हैं। द्रव्य हमें जो अनेक प्रकार के आकारों में दिखाई देता है, त्रिकोण, गोल, समचतुरस्र, संस्थान इत्यादि, ये सब द्रव्य की पर्याय, ये सब उसकी व्यंजन पर्याय होती हैं, और ये अनेक पुद्गल अणुओं से मिलकर के बनी हैं, इसलिए विभाव रूप कहलाती हैं। जीव की इसलिए कहलाएगी क्योंकि मनुष्य आदि पर्याय जीव ने धारण किए, इसलिए जीव की विभाव व्यंजन पर्याय है। और इसी तरीके से जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय भी होती हैं, जैसे कि जीव के अंदर जो मतिक ज्ञान आदि गुण हैं, श्रुत ज्ञान आदि गुण हैं, जो इसके ये सभी वैभाविक गुण माने जाते हैं, क्योंकि ये सभी गुण उसके जो व्यंजन पर्याय को धारण कर रहे हैं ये छूट जाते हैं, ये स्वभावभूत नहीं है। इसलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये सब क्या है, ये विभाव रूप गुण व्यंजन पर्याय है। समझ में आ रहा है? कुछ बहुत सारा विस्तार कई तरीके से हो सकता है पर्यायों का, स्वभाव पर्याय के रूप में, विभाव पर्याय के रूप में, अर्थ पर्याय के रूप में, व्यंजन पर्याय के रूप में। एक और तरीका बताया जाता है, समान जाति पर्याय और असमान जाति पर्याय। तो विभाजन करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, समझाने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको कोई सा भी तरीका पसंद आए वो एक भी तरीका आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। स्वभाव विभाव पर्याय के भेद से भी पर्यायों को जाना जा सकता है, अर्थ व्यंजन पर्याय के भेद से भी पर्यायों को जाना जा सकता है, और समान जाति असमान जाति। समान जाति कैसी होती हैं? जैसे पुद्गल के जो अणु मिल जाते हैं, है ना, अणु मिलकर के जो स्कंद बन जाते हैं, तो हैं सभी पुद्गल ही, तो पुद्गल से पुद्गल मिल गया, अणु से स्कंद बन गए, तो इस समान जाति वाले ही पर्याय कहलाएंगे। असमान जाति पर्याय क्या कहलाती है? जैसे जीव की जो मनुष्य आदि ये जो पर्याय हैं,
चार गति रूप जो पर्याय है ये असमान जाति है, क्योंकि इसमें जीव की भी परिणति है और साथ में पुद्गल की भी परिणति है। शरीर भी बना है मनुष्य का तो जीव के निमित्त से बना है, तो इसमें जीव का भी योगदान है और पुद्गल का भी योगदान है, तो ये असमान जाति पर्याय कहलाएगी। इस तरह से अनेक तरह का विभाजन करके आचार्यों ने समझाने की कोशिश की है कि हम पर्यायों को भी समझें कि पर्याय द्रव्य की भी होती हैं और पर्याय गुणों की भी होती हैं। जब गुणों की बात आएगी तो जैसे जीव के जो ज्ञानादि गुण हैं उन गुणों की परिणतियाँ जो होंगी वो उस गुण की पर्याय कहलाएंगे। ज्ञान गुण की मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि पर्याय हो गए, यहाँ तक कि केवल ज्ञान भी जो है ज्ञान गुण की पर्याय है, उसकी एक परिणति है ना। दर्शन गुण की सुख गुण की ये सब अपनी अपनी परिणतियाँ, जिस तरह से वो गुण अपना बदलाव लाता है बदलता रहता है उसी तरीके से उसकी पर्याय भी बदलती रहती है। इतना अवश्य है कि गुण तो हमेशा द्रव्य में सदा रहता है, इसलिए गुणों की परिभाषा कही जाती है अनवैनो गुणाः। क्या कहा जाता है? गुण वे होते हैं जो द्रव्य का हमेशा अन्वय करते हैं, अन्वय माने द्रव्य के साथ रहते हैं, द्रव्य से कभी भी अलग नहीं होते हैं। तो गुण तो हमेशा द्रव्य के साथ रहने वाले अन्वय रूप होते हैं, और पर्याय जो होती हूँ व्यतिरेकिणो पर्याय, व्यतिरेकिण पर्याय ऐसा कहा जाता है। तो जो व्यतिरेकी हैं वो पर्याय भिन्न भिन्न होती रहती हैं। पर्याय कैसी होती हैं, है ना, भिन्न भिन्न स्वभाव वाली भी होती हैं, भिन्न भिन्न समय पर बदलती भी रहती हैं, और भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूप से उत्पन्न भी होती रहती हैं। तो पर्याय हमेशा व्यतिरेक स्वभाव वाली हैं, एक के बाद एक पर्याय, एक के बाद एक पर्याय, ऐसी उनकी पर्यायों की परिणति भी क्रम से होती रहती है, क्योंकि पर्याय एक स्वभाव वाली पर्याय कभी भी एक साथ अनेक नहीं रहेंगी, या एक गुण की पर्याय अनेक नहीं रहेंगी, एक गुण की एक पर्याय रहेगी, एक द्रव्य की एक पर्याय रहेगी, जब वह पर्याय समाप्त हो जाएगी तभी दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी। इसलिए पर्यायों को क्रमवर्तिनः पर्याय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमवर्तिनः पर्याय। पर्यायों को एक लक्षण और भी आचार्यों ने क्या किया, पर्याय कैसी होती हैं, क्रमवर्ती, है ना, मतलब एक सक्सेसिव ऑर्डर में जो है उन पर्यायों का जो है निकलना होता है। तो वह पर्याय क्रम क्रम से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि एक साथ सभी पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, किसी भी द्रव्य में नहीं होती। जीव द्रव्य की पर्याय है, मान लो मनुष्य पर्याय है तो एक समय पर एक ही पर्याय रहेगी, जब मनुष्य पर्याय होगी तो देव पर्याय नहीं होगी, देव पर्याय होगी तो मनुष्य पर्याय नहीं होगी। तो इसी को बोलते हैं क्रमवर्ती, एक क्रम पूरा होगा उसके बाद ही अगली पर्याय का क्रम शुरू होगा, तो इसको क्रमवर्ती पर्याय कहते हैं। पुद्गल में भी इसी तरीके से चलता है, आपको आम का उदाहरण देकर के समझाया जा रहा था, है ना, जैसे उसमें हरापन है पीलापन है तो ये सब उसकी गुणों की पर्याय हैं, जो वर्ण गुण है उस वर्ण गुण की पर्याय है। तो जो उसमें वर्ण गुण की पर्याय जिस समय पर हरापन है तो हरा पर्याय है, पीलापन है तो पीली पर्याय है, तो उसमें ये पर्याय भी क्रम क्रम से बदलती हैं। हर द्रव्य में जो भी पर्याय जिस तरह का जो द्रव्य बना है, सफ़ेद है चिकना है किसी भी तरह का कोई भी गंध इत्यादि को लिए हुए है, तो उसमें एक समय पर उसकी एक ही पर्याय होती है, है ना। अब वो पर्यायों को क्रमवर्ती कहने से बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं पर्याय तो क्या होती हैं, क्रमवर्ती की जगह पर लोगों ने क्रमबद्ध कर दिया। क्या कर दिया? क्रमबद्ध, समझ आ रहा है? पर्याय क्या होती हैं? क्रमबद्ध पर्याय होती हैं। तो क्रमबद्ध करके फिर वो उसकी व्याख्यान में कि जैसे वो सब क्रम से बंधी हुई हैं, इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा, तो क्रमबद्ध पर्यायों को एक जो है अलग तरीके से बताया जाने लगा, उनकी एक अलग अपनी थ्योरी बना ली, और उसको सिद्ध करने के लिए भगवान की सर्वज्ञता का सहारा भी मिल गया, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान है ना, तो उन्होंने सब भविष्य की पर्याय भी देख रखी हैं, क्योंकि अपन बोलते हैं भूत भाव विभवत पर्यान सदा सर्वदा, है ना, तो भूत भविष्य वर्तमान की सब पर्याय भगवान जानते हैं, तो जब जान रहे हैं तो वो जान वो ही रहे हैं जो पहले सो रही है, तो बस वो उनके ज्ञान में देख रही है तो सब फिक्स हो गई।
तो इस तरीके से अपने मतलब की थ्योरी बना करके एक क्रमबद्ध पर्याय करके किताबें वगैरह भी निकलने लग गई, है ना। जबकि इस तरह से पर्याय के विषय में क्रमबद्धता को सिद्ध करने का कहीं कोई आचार्यों का किसी भी तरह का ना कोई अभिप्राय रहा, ना कोई उनका कभी भी ऐसा उल्लेख रहा, है ना। किन्हीं भी पूर्वाचार्यों ने क्रमबद्ध पर्याय नाम से कोई शब्द ही नहीं कभी लिखा, है ना। ये वर्तमान के कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वानों ने, है ना, ये क्रमबद्ध शब्द डाल करके एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया और उसकी सिद्धि के लिए उन्होंने भगवान की सर्वज्ञता का सहारा ले लिया। तो ये चलो बातें तो बात की हैं, समझाने की फिर कभी समझाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये सब जो है एक तरीके का बखेड़ा है, बखेड़ा समझते हो ना, विवाद करने के तरीके हैं। एक तरीके से अपनी बस लाइन अलग बनाने के, कुछ अपने सिद्धांत अलग बनाने के ये तरीके हैं। तो पर्याय क्रमवर्ती होती हैं, आपको समझना क्या है, जो आचार्यों ने लिखा है, है ना। तो पंडित दंडित कहते रहते हैं उनकी बातों में नहीं पढ़ने का। पर्याय कैसी होती हैं, क्रमवर्ती होती हैं, है ना। तो क्रमवर्ती जो पर्याय हैं उसका मतलब यह है कि एक गुण की जो पर्याय हैं वो पर्याय एक गुण की एक ही पर्याय होगी, जब वो पर्याय पूरी हो जाएगी या उसकी अवधि पूरी होगी तभी वो दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी, है ना। एक गुण की एक साथ बहुत सारी पर्याय नहीं होती, इसलिए क्रम क्रम से होती रहती है, ये उसका अर्थ है। तो कभी भी हम द्रव्य के परिणमन को देखेंगे तो उसमें इसी तरीके से क्रमवर्तीपना रहता है, हर चीज में रहता है। मान लो हम बालपने से युवा हुए, युवा से हम वृद्ध हो रहे, तो ये भी सब पर्याय ही हैं, है ना। पर्याय में भी पर्यायों का भेद हो जाता है, चूंकि वो अनेक प्रकार के द्रव्य के समूह के साथ चल रही है ये पर्याय, जो व्यंजन पर्याय है तो वो अनेक द्रव्यों का उसमें समूह है, तो वह समूह भी जो है अनेक तरह की परिणतियों को लेता रहता है। तो जब बालपने की ये पर्याय कहलाएगी, क्या कहलाएगी, तो जब बालपना होगा तब युवापन नहीं होगा, युवापन होगा तो बालपन नहीं होगा, जब युवापन होगा तो वृद्धपन नहीं होगा, वृद्धपन होगा तो युवापन नहीं होगा, है ना। तो ये पर्याय धीरे 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 जो बदल रही हैं वो उसके क्रम के अनुसार हैं, तो ये क्रमवर्ती है। अब इसको क्रमवर्ती कहना तो आचार्यों की परंपरा के अनुकूल है, लेकिन क्रमबद्ध कहना ये अनुकूल नहीं है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 38 के अनुसार द्रव्य गुण और पर्याय दोनों को धारण करता है, यह गुण और पर्यायों के पिंड का आधार होता है। द्रव्य के सामान्य रूप को और गुण पर्यायों से उसके विशेष रूप से जानते हैं। हमने जाना कि लक्षण और स्वरूप अलग अलग चीजें हैं। लक्षण स्वरूप को बनाए रखता है और हमेशा उसकी त्रैकालिक परिणति में दिखाई देता है। सूत्र 30 में द्रव्य का लक्षण सत बताया था, जो उत्पाद व्यय और द्रव्य के माध्यम से बनता है। गुणवान और पर्यायवान होना उसका स्वभाव है। जीव मूर्तिक, अमूर्तिक, संकोच विस्तार आदि स्वभाव वाला होता है, लेकिन उसका लक्षण केवल उपयोग है। गुणों का द्रव्य से संबंध हमेशा रहता है और ये पर्यायों से भी व्याख्यायित होते हैं। पर्याय द्रव्य और गुण दोनों की होती हैं। द्रव्य में सामान्य और विशेष दोनों गुण होते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अग्रलगत्व। ये द्रव्य के 6 सामान्य गुण होते हैं, जो सभी शुद्ध और अशुद्ध द्रव्यों में होते हैं। अस्तित्व गुण के कारण अस्तित्व बना रहता है, वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य में सामान्यपना और विशेषपना होता है, द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य अनेक पर्यायों को प्राप्त करता है, प्रमेयत्व गुण के कारण वह गे रूप होता है और ज्ञान का विषय बनता है, वह प्रमेय रूप होता है और प्रमाता या प्रमाण का विषय बनता है, प्रदेशत्व गुण के कारण वह अपने प्रदेशों को धारण करता है, जैसे संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेशी। अगर लघुत्व गुण के माध्यम से द्रव्य प्रति समय षटगुणी हानि वृद्धि कर अपने स्वाभाविक परिणमन को धारण करता है। जीव द्रव्य के दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, चेतनत्व, अमूर्तत्व विशेष गुण है। वहीं पुद्गल के
स्पर्श रस गंध वर्ण अचेतनत्व मूर्तत्व। धर्म द्रव्य के गति में हेतुत्व अचेतनत्व अमूर्तत्व। अधर्म द्रव्य की स्थिति में हेतुत्व अचेतनत्व अमूर्तत्व। आकाश द्रव्य के अवगाहनत्व अचेतनत्व अमूर्तत्व और काल द्रव्य के वर्तना में निमित्त होना अचेतनत्व और अमूर्तत्व होना विशेष गुण है। पर्याय अर्थ और व्यंजन प्रकार की होती हैं। अर्थ पर्याय स्वभाव और विभाव दो प्रकार की होती हैं। प्रति समय षड्गुणी हानि रूप चल रहा परिणमन द्रव्य की स्वभाव अर्थ पर्याय है। विभाव अर्थ पर्याय केवल जीव द्रव्य में होती है। मिथ्यात्व कषाय राग द्वेष पुण्य और पाप इसके भेद हैं। व्यंजन पर्याय भी द्रव्य और गुणों की होती हैं और स्वाभाविक और वैभाविक भी होती हैं। सिद्ध शुद्ध पर्याय ही जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है और केवल ज्ञान में केवल दर्शन में अनंत सुख में होना उसकी स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। मनुष्यादि पर्याय उसके विभाग द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान उसके विभाग गुण व्यंजन पर्याय हैं। गुण के साथ उसकी पर्याय भी बदलती हैं। हमने जाना कि पुद्गल से पुद्गल के मिलने पर समान जाति पर्याय और जीव की मनुष्य आदि पर्याय असमान जाति पर्याय होती हैं, क्योंकि इसमें जीव के साथ पुद्गल की भी परिणति होती है। द्रव्य और गुणों की पर्याय को हम अनेक भेद से समझ सकते हैं, जैसे स्वभाव विभाव अर्थ व्यंजन समान असमान जाति। हमने जाना कि गुण हमेशा द्रव्य के साथ रहते हैं, अन्वय करते हैं, जबकि पर्याय व्यतिरेक स्वभाव वाली होती हैं, जो समय पर बदलती और उत्पन्न होती रहती हैं। अगले सूत्र में पर्याय क्रमवर्ती होती हैं ये बताया, अर्थात क्रम क्रम से उत्पन्न होती हैं। द्रव्य की और गुण की एक समय पर एक ही पर्याय रहेगी। जब एक पर्याय पूरी होगी तभी दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी। इसीलिए वो क्रम क्रम से होती रहती है, जैसे बालक से युवा, युवा से वृद्ध होना आदि। मुनिश्री ने समझाया कि आगम अनुसार पर्याय क्रमवर्ती होती हैं, क्रमबद्ध नहीं। क्रमबद्ध मतलब क्रम से बंधी हुई होना, एक के बाद एक होना। लेकिन इसे भगवान की सर्वज्ञता का सहारा लेकर, जिसमें वे भूत भविष्य वर्तमान की सभी पर्याय देखते हैं, लोग अलग तरीके से थ्योरी बनाकर बताते हैं। जबकि आचार्यों का अभिप्राय पर्याय की क्रमबद्धता सिद्ध करने का नहीं रहा, उनकी परंपरा के अनुकूल क्रमवर्ती पर्याय कहना है, क्रमबद्ध नहीं। तो चलिए अब हम सभी चिणवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा, साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, द्रव्य का ज्ञेय रूप होना उसका कौन सा गुण होता है? अस्तित्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अग्र लघुत्व। अध्याय 5 की कक्षा 42 के
आज के सवाल का सही उत्तर है 2 अधिक गुण वाले। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।